मुझे सिर्फ कोई ये बताए कि कितना मुश्किल है एक प्रोफेसर के लिए अपने स्टूडेंट्स को ईमेल करना कि भैया तो दरवाज़ा नहीं खुल गया। कितना मुश्किल है एक प्रोफेसर के लिए अपने स्टूडेंट्स को ईमेल करना कि भैया आज क्लास हो गई है कैंसिल और आज आप लोगों को क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, 20 मिनट ड्राइव करने के आने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और ताकि आप $2 पार्किंग टिकट के ना दो और आप घर में सुकून से बैठे रहो। ये सब ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। कितना मुश्किल है ये। तो आई जस्ट ड्रोव 20 मिनट्स टू कॉलेज, फिर वहाँ पर पार्किंग टिकट की पेमेंट की, फिर क्लास तक गया, फिर क्लास से वापस आया, पता चला कि प्रोफेसर तो है ही नहीं। वहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो क्लास, प्रोफेसर वहाँ नहीं है। फिर मैं वापस गाड़ी में आया, 5 मिनट जाने के, 5 मिनट आने के, 10 मिनट, 20 मिनट यहाँ से कॉलेज जाने में, 30 मिनट, फिर 20 मिनट कॉलेज से वापस घर आने में, तो दैट्स अबाउट 50 मिनट्स ऑफ माई लाइफ वेस्टेड। वक्त की अहमियत, प्रोफेसर को अगर किसी ने गुजरा हुआ ज़माना पढ़ा दिया होता बचपन में, 10th ग्रेड में, मैट्रिक में, ओनली मैट्रिक के स्टूडेंट्स कैन रिलेट, अगर पढ़ा दिया होता तो ये नौबत नहीं आती आज। मैंने नाश्ता किया नहीं है और अभी बज रहे हैं 12 नहीं 11:30 12 कुछ टाइम का भी मुझे नहीं पता, घड़ी भी गायब है, तो 11:30 12 बज रहे हैं। इट शुड बी लंच टाइम, इट इज लंच टाइम, तो आई एम एक्चुअली जस्ट गोना स्किप ब्रेकफास्ट नाउ, आई एम जस्ट गोना गो स्ट्रेट टू लंच। घर में कबाब रेस्टोरेंट गए थे कल, तो कबाब और बोटियाँ पड़ी हुई, बारबेक्यू नान, तो इन्जॉय करूँगा मैं अभी। बाय द वे, ये सेठ साहब के टोटके हैं, मुझे नहीं पता ये मैंने कहाँ से सीखा है, लेकिन माइक्रोवेव में कभी कभार वापस से रीहीट करने से खाना सख्त हो जाता है, यूजुअली बारबेक्यू सख्त हो जाता है, तो वन रियली गुड फिक्स फॉर दैट इज़ पुट बटर ऑन योर बारबेक्यू, मतलब बटर रब करो या किसी भी तरीके से उसके ऊपर बटर रखो या बटर डालो और फिर गर्म करो तो सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, अनसॉल्टेड बटर, नॉट सॉल्टेड, अनसॉल्टेड बटर। सेठ साहब के टोटके, यूर वेलकम। आई जस्ट रियलाइज्ड के केसी नाइस्टेट न्यूयॉर्क की ट्रैफिक में ये बूस्टेड बोर्ड चलाते हुए व्लॉगिंग करता है, दैट इज प्रीटी फैसिनेटिंग टू मी, आई डोंट नो हाउ ही डज दैट, मुझसे ये भी नहीं हुआ जा रहा। सो बेसिकली आई नीड अ हेयर कट, मेरे बाल मेरे सर के अलावा हर जगह जा रहे हैं, तो आई रियली नीड टू गो गेट अ हेयर कट राइट नाउ, मुझे नहीं पता मैं इसमें टकरा ना जाऊँ, नहीं हाँ किसी वजह से मैंने शर्ट में और टी शर्ट में चेंज कर लिया है, वरना स्वेटर में बाल फंस जाते हैं हेयर कट के बाद, और फिर वो निकालना वो धोने से भी नहीं निकलते थे, दैट्स व्हाई आई चेंज इट टू द टी शर्ट, नाउ आई नीड अ हेयर कट, होपफुली अच्छा हेयर कट हो, क्योंकि हजाम और डॉक्टर जब अच्छा नहीं होता तो बंदा हमेशा अफसोस करता है घर जाने के बाद। और मैकेनिक, हजाम, डॉक्टर और मैकेनिक। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने, बैतुल मुकर्रम की मस्जिद की गली में एक हजाम की दुकान है, उस दुकान का नाम ही बारबर शॉप है, और जमाल ने वहाँ से मुझे रिकमेंडेशन दी थी बाल काटने की, वहाँ पे आई थिंक बाबर भाई बाल काटते हैं, और इतना बता दूँ कि वो वाली बात यहाँ नहीं है बाबर भाई, मिस कर रहा हूँ मैं आपको। हेयर कट के बाद शावर वॉज रियली इम्पॉर्टेंट, तो वो ले लिया, और क्वाइट फ्रेंकली इतना भी बुरा नहीं है हेयर कट, मुझे पसंद आ रहा है, वरना मुझे नहीं लगता मुझे कभी अफसोस ना हुआ बाल कटवाने के बाद, स्पेशली अमेरिका में बाल कटवाने के बाद, आई डोंट रिमेंबर अ टाइम जब मुझे अफसोस ना हुआ, ये होता है लेकिन आज नहीं होगा, गुड हेयर कट। बाय द वे, दिस इज अ बूस्टेड बोर्ड, इसके पीछे पूरी स्टोरी है, कहानी है, कैसे आया, कहाँ से आया,
क्यों आया, व्हाट्स द होल स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे पूरा व्लॉग आएगा और वो व्लॉग कब आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो व्लॉग आएगा ज़रूर। वो पूरा व्लॉग शूट हुआ है, उस व्लॉग की मेरे पास पूरी क्लिप पड़ी हुई है, मतलब पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, उसे बस बनाना है। और ये सारा सामान है जो स्टोरेज रूम से निकला है। स्टोरेज रूम हमारा घर के बाहर एक अलग से जगह है, पूरा रूम मैं भी दिखाता हूँ, उसके अंदर पूरा ये सारा सामान पड़ा हुआ था, एक जगह खाली थी, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी लिविंग दिस प्लेस प्रीटी सून, तो इस जगह को वैसे ही खाली करना ही था, स्टोरेज रूम को, तो वी डिड इट राइट नाउ सो वी कैन स्टार्ट पैकिंग अप एंड पुटिंग दीज थिंग्स ऑल टुगेदर एंड कबाड़ खाना बन गया है घर यार। ये था वो सारा स्टोरेज रूम, इसके अंदर फुल ऊपर ऊपर तक भरा हुआ था और सारा सामान अब घर में आ गया। तो दैट वॉज माई मैकेनिक एंड फॉर सम रीज़न मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठाता। फ़ोन उठा के बोल सकता है कि भाई गाड़ी रेडी नहीं हुई है, कल कॉल करना, 30 दिन से वेट कर रहे हो, 1 दिन और वेट कर लेना, लेकिन नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाना है, जाना पड़ेगा उसके पास, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या है गाड़ी का, एम आई गेटिंग द कार बैक और नॉट। अभी 2 दिन हो चुके हैं पिछली जब हमारी बात हुई थी गाड़ी के बारे में, 2 दिन हो चुके हैं और कल गाड़ी रेडी नहीं हुई थी, आज उम्मीद है कि रेडी हो जाएगी। We're about to finish it. Also, we're getting it done today. Okay. You got here literally as I'm looking to where to fill the transmission oil. Okay. So I gotta fill the new one, but it goes through here. All right, so here's what I'll do. I'll come coming back. All right, long story short, I'll get the car back today, alhamdulillah. The mechanic said he'll get done, lekin wo late kaam khatam karega. Abhi kaam kar hi raha hai wo gaadi pe. 7-8 bajenge and then I'll go pick it up later on raat ko. Now, before I end today's vlog, ek shakhs hai jiska comment aata hai Instagram aur YouTube aur dono jagah. Okay, Sid, his name is Sufyan, Sufinger Films. I don't know if you guys know him or not on YouTube, but I'll mention it in the description. Sufinger Films, Sufyan, I want to thank him for being available for me. Abhi main Karachi gaya tha. So, Karachi mein is Sufyan ke saath mere 2 vlogs aaye the. Sunday Bazaar, jab hum log gaye the, mujhe zarurat thi ek light ki, and Sufyan gave me an amazing idea to go to Sunday Bazaar and get a quick fix for the light, or it helped a lot. Phir uske baad mujhe nali biryani khani thi, to Sufyan took me there as well. Golgappe khane the Liaqtabad ke, Sufyan took me there as well. So I wanted to thank Sufyan for that, for being available for me whenever I needed him. Bahut bahut shukriya yaar. Not everyone does that, to इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर इसके अलावा रोहेल भाई, सुफियान के बड़े भाई, ही वॉज ऑल्सो, क्योंकि बाहर हमारी शूट थी तो शूट में यू नीड परमिशंस और एक्स्ट्रा बहुत सारे सोर्सेज होती हैं जिनके थ्रू जाना पड़ता है टू शूट आउटडोर्स। सो इवन रोहेल भाई वॉज लाइक, अगर तुम लोगों को मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू गेट यू वट एवर आई कैन टू शूट आउटडोर्स एंड वट सो एवर। तो आई वांट टू थैंक सुफियान एंड हिज बड़े भाई रोहेल और हसन भाई। हसन भाई सुफियान के कज़न हैं, उन्होंने एक टी शर्ट गिफ्ट की थी जब हम नली बिरयानी खाने के लिए गए थे, तो हसन भाई चले थे हमारे साथ। तो थैंक यू ऑल थ्री ऑफ देम, स्पेशली सुफियान फॉर बींग देयर फॉर मी, नॉट ओनली वन द कैमरा वॉज ऑन बट ऑल्सो वन द कैमरा वॉज ऑफ। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया फॉर देट। हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है कि राइट अ थैंक यू लेटर, या से थैंक यू, या पिक अप द फोन, कॉल दैट पर्सन एंड से थैंक यू टू देम, दैट मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ पॉजिटिवली।
چاہے وہ آپ کا دوست ہو, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کال دیم, رائٹ دیم اے لیٹر, سم ہاؤ سے تھینک یو. دیٹس دا میسج. خدا حافظ.